दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को उनकी बेहतरीन स्क्रीन अपीयरेंस और उम्दा एक्टिंग की वजह से सदी का महानायक कहा जाता है, जो 80 के दशक में होने के बावजूद यंगस्टर्स को टक्कर दे सकते हैं। इस उम्र में भी वो लगातार काम कर रहे हैं, जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। इस समय वो कौन बनेगा करोड़पति 15 को होस्ट करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े रोचक किस्सों का खुलासा करते हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन परफेक्ट कपल के प्रतीक हैं, जो 50 सालों से ज्यादा समय से साथ हैं। उन्होंने 1973 में शादी रचाई थी और तब से उनकी लाइफ में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे और अपने रिश्ते पर आंच नहीं आने दी। हालांकि इन सबके अलावा उनकी हाइट भी हमेशा लोगों का ध्यान खींचती है। बता दें कि अमिताभ बच्चन की लंबाई 6.1 फीट है, तो वहीं जया की लंबाई 5.2 फीट है। हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति 15 में एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन अपनी जया बच्चन की लंबाई के अंतर के बारे में बात करते हुए नजर आए। फिलहाल केबीसी 15 में द जूनियर स्पेशल वीक चल रहा है। इस दौरान 12 साल के बच्चे मयंक ने बिग बी से कहा कि उन्हें अपनी छोटी हाइट पसंद नहीं है। मयंक ने आगे बताया कि कैसे उन्हें सहपाठी उनकी हाइट का मजाक उड़ाते हैं और कैसे अगर कोई लंबा लड़का उनके सामने आ जाता है तो वो छिप जाते हैं। इस पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि उनके साथ भी अक्सर ऐसे ही होता है। मयंक ने पूछा कि ये कैसे संभव है, क्योंकि अभिनेता पहले से ही लंबे हैं। इस पर बिग बी ने प्यारा सा जवाब देते हुए कहा कि उनकी पत्नी जया की हाइट मयंक के जितनी है और अभिनेता को उनसे बात करने के लिए नीचे देखना पड़ता है। बिग बी ने कहा कि मेरे साथ उल्टा होता है, पत्नी जी हमारी जो है वो आपकी हाइट की है और उनको भी ऐसे देखना पड़ता है। फिलहाल जया बच्चन की हाइट पर किए गए अमिताभ के कमेंट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।